गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करना। क्लास फोर्थ का इंग्लिश का जो हम लेसन पढ़ रहे थे, लद्दाख द लैंड ऑफ पासिस, इसका हमने रीडिंग जो है हमने ख़त्म कर ली है। तो आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। ये बुक में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, बुक पेज नंबर आपके 32 है, आपकी बुक में ये 32 पेज नंबर है। तो क्वेश्चन है ये, मैं इसके आपके आंसर बताऊँगी, क्वेश्चन आंसर। नेम द माउंटेन रेंजेज ऑफ लद्दाख। लद्दाख जो है उसमें कौन कौन से पहाड़ आते हैं, ठीक है। मैंने हमने पढ़े थे ना, उसका मेन पहाड़ है तो उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो उसके मेन पहाड़ कौन से हैं, इम्पोर्टेंट पहाड़ कौन से हैं वहाँ के। द ग्रेट हिमालयन, ये आंसर है। सबसे पहले पहाड़ है वहाँ पे द ग्रेट हिमालयन, ये सबसे बहुत ऊंचा पहाड़ है। द झांस्कर, द लद्दाख एंड द कराकोरम, ठीक है। ये चार पहाड़ हैं जो ये लद्दाख के मेन माउंटेन्स में से आता है, ठीक है, माउंटेन रेंजेस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर कॉल्ड, हाउ लॉन्ग इज इट। वर्ल्ड्स का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ग्लेशियर होता है जिसमें पहाड़ों पे बर्फ ही ढकी होती है, ये कहाँ पर है, वो कितना लंबा है। ये द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर कॉल्ड सियाचिन, ठीक है, सियाचिन है जो कि लद्दाख में है, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये 72 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर कॉल्ड सियाचिन, इट इज 72 किलोमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज़ ए पास, पास क्या होता है, व्हाई इज़ लद्दाख कॉल्ड लैंड ऑफ पासिस, लद्दाख को लैंड ऑफ पासिस क्यों कहा जाता है। आंसर है आपका, पास इज अ रोड थ्रू माउंटेन्स, पास एक रास्ता होता है, एक सड़क होती है जो कि पहाड़ों के बीच में से निकलती है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि लद्दाख में है वो चारों तरफ वहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ों को काट के बीच में से रास्ते बनाए जाते हैं, तो उसे पास कहते हैं। तो पास एक रोड होता है, एक रास्ता होता है जो कि पहाड़ों से गुजरता है, माउंटेन्स के बीच में से गुजरता है। लद्दाख हैज़ मैनी रोड्स बिटवीन इट्स माउंटेन्स, लद्दाख में उनके पहाड़ों के बीच में बहुत सारी रोड्स जाती हैं, बहुत सारी सड़कें जाती हैं, इसलिए उसे जो है लैंड ऑफ पासिस कहा जाता है। पासिस मीन्स गुजरना, पहाड़ों के बीच में से लोग गुजरते हैं रास्ते निकाल के, तो इसलिए लद्दाख को लैंड ऑफ पासिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन लद्दाख, लद्दाख में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। द हाईएस्ट माउंटेन इन लद्दाख इज सासर, जो सासर माउंटेन है, सासर पहाड़ है, वो लद्दाख का सबसे ऊंचा पहाड़ है। नेम सम मॉनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख, ठीक है, मॉनेस्ट्रीज मैंने आपको बताया था, ऐसी जगह जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क्स वो होते हैं जो अपना घर बार छोड़ देते हैं, शादी नहीं करते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के सिर्फ गॉड की पूजा करते हैं, तो उनको बोलते हैं मॉन्क। तो उन्होंने ऐसी जगह अपनाई होती है जहाँ पे वो लोग रह के अपने रिलीजन के बारे में टीचिंग्स देते हैं, तो उनको बोलते हैं मॉनेस्ट्रीज। तो लद्दाख की फेमस मॉनेस्ट्रीज कौन सी हैं, हेमिस मॉनेस्ट्री, आलची गोम्पा, मॉनेस्ट्री को गोम्पा भी कहते हैं, आलची गोम्पा, बरदान मॉनेस्ट्री, डिस्किट एंड हंडर गोम्पा और खर्चा मॉनेस्ट्री जो है लद्दाख की सबसे फेमस मॉनेस्ट्रीज ही हैं। लद्दाख में दो चीज़ें फेमस हैं, एक मॉनेस्ट्रीज फेमस है वहाँ की, और एक वहाँ की चाय बहुत फेमस है जिसे हम गुरगुर चाय कहते हैं। तो ये आपके आज 5 क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं इनको दोबारा रीड करती हूँ। नेम द माउंटेन रेंजेज ऑफ लद्दाख, आंसर है द ग्रेट हिमालयन, द झांस्कर, द लद्दाख एंड द कराकोरम। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर कॉल्ड, हाउ लॉन्ग इज इट। आंसर, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर कॉल्ड सियाचिन एंड इट इज 72 किलोमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज ए पास, व्हाई इज लद्दाख कॉल्ड द लैंड ऑफ पासिस। आंसर, पास इज अ रोड थ्रू माउंटेन्स, लद्दाख हैज मैनी रोड्स बिटवीन इट्स माउंटेन्स, सो इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ पासिस। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज द हाइएस्ट माउंटेन इन लद्दाख, द हाइएस्ट माउंटेन इन लद्दाख इज सासर। क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम सम मॉनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख, लद्दाख की फेमस मॉनेस्ट्रीज कौन सी हैं, हेमिस मॉनेस्ट्री, आलची गोम्पा, बरदान मॉनेस्ट्री, डिस्किट एंड हंडर गोम्पा, खर्चा एंड मॉनेस्ट्री एटसेट्रा, खर्चा मॉनेस्ट्री एटसेट्रा। तो बच्चों, ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, आपने अपनी इंग्लिश की कॉपी है उस पर ये क्वेश्चन जो है वो लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं, और उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन आंसर को समझिएगा। थैंक यू।